सब्सक्राइब कीजिए रोहित बेनीवाल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज आप आगे में नई वीडियो में आज हम बात करेंगे टाटा एल्ट्रोज एक्सेड वेरिएंट के बारे में। यह है गाड़ी के ओनर अनुज भाई, हम इनसे कुछ गाड़ी की कमियां और खूबियां पूछेंगे और हम आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू भी देंगे इस गाड़ी के बारे में और सारे ही फीचर्स आपके सामने लेके आएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर लुक की। सो यह है इसका कुछ फ्रंट लुक, बहुत ही मस्कुलर डिजाइन है, टाटा की सिग्नेचर ग्रिल, क्रोम विद पियानो ब्लैक फिनिश, कुछ ऐसा है इसका लुक। यह है इसकी लाइट्स प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ। यह है DRL, येलो कलर की लाइट होती है इसकी। आइए अब चलते हैं साइड की तरफ। सो ये है कुछ गाड़ी की साइड प्रोफाइल, बहुत ही प्रीमियम लुक दिया गया है गाड़ी को। आप ये देख सकते हैं, ये पियानो ब्लैक की स्ट्रिप आगे से लेकर पीछे तक जाती है, फिर रियर लाइट में भी ये लुक दिया गया है। अपने सेगमेंट की सबसे सुंदर गाड़ी है, लुक्स में से कोई भी कंपीट नहीं कर सकता, मारुति की बलेनो भी नहीं। एक बार देखते हैं इसके टायर प्रोफाइल। सो इसमें 195, 55, R16 के टायर्स आते हैं, लो प्रोफाइल टायर हैं। ये देख सकते हैं आप डायमंड कट अलॉय व्हील्स। सो आइए अब गाड़ी के कुछ फीचर्स की तरफ नजर मारते हैं। सो ये है कुछ एल्ट्रोज की इसके साथ एक स्मार्ट बैंड जैसी दिखने वाली की भी अवेलेबल होती है। गाड़ी में है कीलेस एंट्री का फीचर, आप बटन को प्रेस कीजिए गाड़ी अनलॉक हो जाती है, साइड मिरर भी इसके साथ ही खुल जाते हैं। सो आइए चलते हैं गाड़ी के अंदर। सो ये है कुछ इसकी इंटीरियर लुक, एल्ट्रोज में बैठकर काफी प्रीमियम फील होता है, आप देख ही सकते हैं इसका स्टीयरिंग कितना सुंदर है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है इसका, प्लास्टिक भी बहुत इसकी प्रीमियम फील कराती है। ये देख लीजिए कुछ डोर के लुक, फैब्रिक इंसर्ट्स के साथ बहुत ही सुंदर है ये। ये है इसका फ्लोटिंग टाइप इंफोटेनमेंट सिस्टम। एक बार गाड़ी को इग्निशन ऑन करके देखते हैं। एल्ट्रोज की MID बहुत ही सुंदर है ये। टाटा बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा है अपनी क्वालिटी में। ये मैनुअल IRVM है, ये 5 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। यह है इसका ग्लव बॉक्स, कूल ग्लव बॉक्स है,
बहुत अच्छी स्टोरेज स्पेस है इसके अंदर, कप होल्डर्स भी हैं। अगर बात करें गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, आप देख सकते हैं कितना अच्छा टच का इसमें रिस्पॉन्स है। एल्ट्रोज में आता है 4 स्पीकर प्लस 2 ट्वीटर्स का सिस्टम जो कि हरमन प्रोवाइड करता है। कुछ ये है इसकी फ्रंट लुक, पुश स्टार्ट बटन इसमें अवेलेबल किया जाता है। यह है इसका फ्रंट आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडिंग है, इसमें स्टोरेज स्पेस भी है अवेलेबल। गाड़ी में आते हैं 2 ड्राइविंग मोड, इको एंड सिटी, जो कि आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम में शो करता है। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट ये फ्रंट में है और रियर पैसेंजर्स के लिए भी है। बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी। अगर बात करें ड्राइवर सीट की तो ये हाइट एडजस्टेबल मिलती है, मैनुअली आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। अगर बात करें इसके और फीचर्स की तो इसके रियर व्यू मिरर यहीं से खुल जाते हैं, ये बटन है इसको पुश करके रखना है और ये खुल जाएंगे और यहीं से बंद हो जाएंगे, यहीं से एडजस्टेबल है। अगर बात करें और फीचर्स की तो इसमें लॉक का कोई और बटन नहीं है, ये जो लीवर है इसको ये अंदर को प्रेस करेंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। अगर बात करें स्टोरेज स्पेस की तो गाड़ी में बहुत ही अच्छा स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर है अम्ब्रेला होल्डर, फ्रंट के दोनों ही डोर में अवेलेबल है ये। 1 लीटर की बोतल आप रख सकते हैं 2, तो गाड़ी में स्पेस की कोई भी कमी नहीं है। ये देख लीजिए 3 टोन इसका डैशबोर्ड है, बहुत ही प्रीमियम फील है इसकी। इसका स्टीयरिंग भी बहुत अच्छा है। तो आइए चलते हैं अब इसके रियर सीट्स पर। सो आपको रियर सीट्स पर जाने के लिए ये हैंडल है, यहीं से ये ओपन होती है। इसका सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगता है वो इसका 90 डिग्री पर डोर्स का ओपन होना, आप देख सकते हैं कितने वाइड ओपन होते हैं। ये चलते हैं हम गाड़ी के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम फील होता है इसमें बैठकर। अगर बात करें स्पेस की तो ये मैंने सीट पूरी पीछे कर रखी है, मेरी हाइट है 5'11" और बहुत हल्के से टच हो रहे हैं, मैं कंफर्टेबल होके बैठा हूँ। ये है इसके रियर एसी वेंट्स। अगर बात करें स्टोरेज स्पेस की तो यहाँ पर भी आपको 2 बोतल रखने के ऑप्शन है 1 लीटर के। यह है आर्मरेस्ट। सो टाटा ने कंफर्ट लेवल में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है ये। सीट्स तो बहुत ही अच्छी हैं इसकी, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, बैक में बहुत अच्छा फील करती है। यह है इसकी पार्सल ट्रे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, डोर हैंडल विथ सिल्वर फिनिश, क्रोम तो नहीं कहेंगे इसे। सो आइए अब चलते हैं बाहर की तरफ। अब अगर हम और एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो यह है इसके इंडिकेटर की प्लेसमेंट, आइए अब इसके कुछ रियर की तरफ चलते हैं। इसमें अवेलेबल किया जाता है रियर वाइपर विद डिफॉगर एंड वॉशर। सो आइए देखते हैं इसकी बूट स्पेस।
एल्ट्रोज में अवेलेबल होती है 345 लीटर की बूट स्पेस। बहुत ही डीप है ये, सामान निकालने और रखने में काफी प्रॉब्लम होती होगी। यह है लगेज लैंप, बहुत ही यूजफुल फीचर है। दोनों साइड 3 kg के हुक्स हैं, आप इसमें अपना लगेज या कोई भी आपकी चीज हो आप उसे टांग सकते हैं। आइए अब चलते हैं एल्ट्रोज के इंजन की तरफ। सो ये है एल्ट्रोज का इंजन, ये थोड़ा गंदा हो रहा है, आप सुन सकते हैं इसकी साउंड। एल्ट्रोज में आता है 1.2 लीटर का 3-सिलेंडर इंजन जो कि 83 PS पावर और 113 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बहुत ही लीनियर पावर डिलीवरी है इस इंजन की। तो आइए देखते हैं गाड़ी के कुछ ओवरऑल फीचर्स। सो ये है कुछ इसकी ओवरऑल लुक। अगर हम बात करें टाटा एल्ट्रोज के कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो गाड़ी में 2 एयरबैग ABS EVD बेस मॉडल से स्टैंडर्ड है और एल्ट्रोज को मिली है 5-स्टार NCAP की रेटिंग। टाटा सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। और अगर और फीचर्स की बात करें तो टाटा एल्ट्रोज में क्रूज कंट्रोल भी अवेलेबल है विद वॉइस कमांड। सो आइए अब बात करते हैं गाड़ी के ओनर से कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। सो अनुज भाई, ये गाड़ी आपने कब ली थी? भाई ये गाड़ी मैंने अभी लॉकडाउन में मई में ली है, जब पूरा लॉकडाउन चल रहा था लॉकडाउन में इसकी डिलीवरी हुई थी। अच्छा, और आपको कितना प्राइस पड़ा था इस गाड़ी का? भाई मेरे को इस गाड़ी का ऑन रोड 8,50,000 अराउंड पड़ा था। अच्छा, और कुछ एसेसरीज भी आपने इंस्टॉल कराई है? नहीं भाई, मतलब 3 एसेसरीज दी थी उन्होंने जिसमें आपका मड फ्लैप्स हो गए, मैटिंग्स दी थी जो बहुत गंदी थी भाई, बिल्कुल लगाने लायक नहीं थी, और एक टेम्पल दिया था। तो आपने अपना, अब तो आपने 70 मैट्स लगा रखे हैं ना इसमें? बिल्कुल भाई। अच्छा, और सीट कवर्स आपने बाहर इंस्टॉल कराए हैं या कंपनी के ही है? बाहर लगवाए थे। अच्छा अच्छा, तो आपको, आप कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताएंगे? भाई पॉजिटिव पॉइंट्स सबसे पहली बात तो ये सेफ्टी, ग्लोबल एनक्लेव में भी ये 5 स्टार्स लाती है। सही बात है, सबसे मेन जो पॉजिटिव है यही है इसका। उसके बाद इसके फीचर्स, इस वेरिएंट में आपको इस प्राइस लिस्ट में हमें क्रूज कंट्रोल सिर्फ टाटा प्रोवाइड करती है, वॉइस कमांड हो गया भाई, उसके बाद आपके 2 ड्राइविंग मोड्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। तो आप इसकी पावर से खुश हैं या ना खुश हैं? भाई पावर से मैं खुश हूँ, बहुत खुश नहीं हूँ, कहीं ना कहीं टर्बो चार्ज की मुझे ज़रूरत थी इसमें, जो मुझे लगता है होना चाहिए था, और वो आगे टाटा ने दिया भी है, जो सही नहीं बात आ रही है उनमें टर्बो चार्ज है। और आपके इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो आप शेयर करना चाहें? कम्फर्ट, इसका कम्फर्ट बहुत अच्छा है, इसका ड्राइविंग कम्फर्ट जो मेन होता है, जो ड्राइवर जब चलाता है तो बहुत मतलब रिलैक्सिंग है। आपका स्टेयरिंग बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल स्पीड के हिसाब से वेट लेता है, और स्पेस इसमें बहुत डिसेंट है। इसके जो आपकी विंडोज़ हैं वे चारों बिल्कुल 90 डिग्रीज पे खुलती हैं, जो बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे इसका। और इसके कुछ नेगेटिव्स? नेगेटिव्स में भाई इसका एक तो पावर हो गया आपका, कहीं ना कहीं पावर की कमी लगती है। दूसरा इसका एवरेज इसका एक जगह कॉन्स्टेंट नहीं है, वो आपके ड्राइविंग के ऊपर है, वो आपको 19-18 भी देता है और वो 11-12 भी देता है। अच्छा अच्छा, तो आप अब ये बताएंगे कि आपने एल्ट्रोज ही क्यों लिया, आपने बलेनो या i20 को प्रीफर क्यों नहीं किया? भाई मेन खेल एल्ट्रोज का इसलिए था कि एक तो अपने मेड इन इंडिया है, अपने इंडिया का ब्रांड है, दूसरा आपका सेफ्टी, इसके जितनी सेफ्टी आप बलेनो में भी नहीं दे सकते। i20 का फेसलिफ्ट बहुत पुराना हो चुका था, बहुत दिन हो गए थे, एक नई गाड़ी की तलाश थी तो हमने। अच्छा अच्छा, तो चलो अच्छी बात है। जो इसका सबसे अच्छा फीचर लगा वो इसका ये लाइट्स हैं, साइड कॉर्निंग लाइट्स कहते हैं जिन्हें, जिस भी साइड हमारा स्टेयरिंग मूव होता है रात को ये उसी साइड की लाइट्स जलती हैं जब तक स्टेयरिंग हमारा सीधा नहीं होता। ये भी अच्छा फीचर है। और कोई फीचर जो आप शेयर करना चाहें? बहुत अच्छा फीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं ड्राइविंग टाइम बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो अंदर जाके देखते हैं कि जब भी हम इसे स्टार्ट करते हैं, इसकी इग्निशन ऑन करते हैं, अगर हमारा कि अगर आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करेंगे
और उस टाइम कहीं ना कहीं आपका जो स्टेयरिंग है वो जिस भी साइड को मूव होगा तो ये आपको बताएगा कि आपको राइट या लेफ्ट टर्न करना है। जैसे ही आप उस साइड को टर्न करेंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन इंडिकेटर दे देगा जिससे आपको पता चलेगा। ये तो बहुत ही अच्छा फीचर है। सो ये था कुछ एल्ट्रोज का एग्जिट वेरिएंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।